हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू एंजल ऑनलाइन स्टडी सेंटर। जैसा कि हम सब लोग 4:30 टू 5:30 के डेली सेशन में द हिंदू न्यूज़पेपर, वकैब, वर्ड पार और कॉम्प्रिहेंसन पढ़ते हैं, तो आज हम लोगों का उसी क्रम में द हिंदू का नेक्स्ट आगे है। फर्स्ट पेज आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। देखिए, ये है हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। देखिए क्वेश्चन क्या क्या रहा है। गुड इवनिंग, देखिए आज है 5 मई, 5 जून 2020। आज हम लोग थोड़ा सा फर्स्ट पेज को ही देखेंगे। देखिए कि आप सब लोगों को जैसे पता हो कि एक न्यूज इस समय खूब चल रही है कि केरला में एक हाथी थी, जिस हाथी को लोगों ने कुछ एक्सप्लोजिव थिंग से फ्रूट में रखकर खिला दिया, जिसके कारण वो हाथी मर गई। ठीक है, उसी से रिलेटेड आज पैसेज है कि मानव कैसा हो गया है और मानव कितना निर्मम, कितना निर्दयी और कितना क्रूर हो चुका है, उसी से रिलेटेड ये फर्स्ट पेज है और उसी को द हिंदू ने ट्रिब्यूट, अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आज अपने फर्स्ट पेज पर उसने लिखा है। चलिए तो आज मैं यही आपको बताता हूँ। देखिए पहले तो कुछ वर्ड्स आप नोट कर लीजिए कि एक वर्ड होता है होमेज और ट्रिब्यूट, ये दो वर्ड आते हैं श्रद्धांजलि, और इनका प्रयोग हमेशा आफ्टर द डेथ ऑफ समवन ही किया जाता है। श्रद्धांजलि, ये दो वर्ड ध्यान रखेंगे, होमेज और ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि, नोट कर लीजिए ये दो वर्ड, श्रद्धांजलि। ठीक है, चलिए और बाकी आपका जो सिंपल सा वर्ड है ऑनर, सम्मान, रिस्पेक्ट, सम्मान और रिवर, सम्मान, ध्यान रखिएगा रिवर हमेशा हम गॉड को करते हैं, पेरेंट्स का करते हैं और टीचर्स का करते हैं, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय, परम पूजनीय। तो जो हम लोग परम आदरणीय, परम श्रद्धेय की बात करते हैं वो हमारे गुरुजी हो सकते हैं, हमारे टीचर हो सकते हैं, ईश्वर हो सकते हैं और वे हो सकते हैं जिन्होंने मुझे जन्म दिया। इसके अतिरिक्त अगर आप बात करते हैं रिस्पेक्ट फॉर ऑल होता है, हम सब का सम्मान जो करते हैं वो रिस्पेक्ट है, और ऑनर हमेशा ध्यान रखिएगा पोस्ट का होता है, पद का होता है। जैसे अगर मुझे बोलना है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, तो मैं कभी नहीं बोलूँगा रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। मान लेते हैं कि मैं प्रयागराज में हूँ और प्रयागराज के डीएम के बारे में मुझे बोलना है, तो प्रयागराज के डीएम को मैं बोलूँगा ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके लिए कभी रिस्पेक्टेड का प्रयोग नहीं करेंगे आप। क्लियर, तो पूरा पैसेज ये हमको यही बताने का प्रयास कर रहा है कि आखिर मानव कैसे किस रूप में बढ़ता हुआ चला गया है, और साथ ही साथ अपने बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ साथ मानव कितना निर्दयी हो गया, इसी पर पैसेज बात कर रहा है। चलिए देखते हैं कुछ वर्ड्स हैं, हैट्स ऑफ टू योर इनक्रेडिबल करेज डियर ह्यूमन। ठीक है, हैट्स ऑफ, तो देखिए पहला फ्रेज है हैट्स ऑफ, तो लोग बोलते हैं ना कि हैट्स ऑफ, जब कभी किसी को बोलते हैं ना हैट्स ऑफ यू, जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा काम करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारे यहाँ जब बालाकोट पर हमला किया गया तो हमारी तरफ से अभिनंदन प्लेन लेकर गए और जिस कारण से वो पाकिस्तान में कब्जे में गिर भी गए, और बाद में जब वापस आए तो हमने अभिनंदन के साहस को हैट्स ऑफ किया कि आपको बहुत बहुत सिर बहुत बहुत सैल्यूट है कि आपने ऐसा जो काम किया, तो उसी के लिए प्रयोग होता है हैट्स ऑफ टू योर इनक्रेडिबल करेज, अतुलनीय साहस को हैट्स ऑफ आपके डियर ह्यूमन, प्रिय मानव आपके अतुलनीय साहस को बहुत बहुत हैट्स ऑफ। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर अगर आप देखिए इनक्रेडिबल, इस वर्ड को ध्यान रखिएगा, एक वर्ड होता है क्रेडिबल और एक वर्ड होता है क्रेडुलस। वैसे तो अगर इस वर्ड को मैं आपको बताऊं तो हमेशा ध्यान रखिएगा
क्रेडिबल जब भी आता है समथिंग होता है, और क्रेडुलस जब भी आता है समबडी आता है। अगर आप इतनी भी बात याद रखते हैं तो एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना, कभी भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ओके, तो अब अगर आप देखेंगे तो यहां पर इनक्रेडिबल करेज की बात किया है, इनक्रेडिबल कॉरेज, कॉरेज है आपका साहस। अब अगर इसी को निगेटिव बनाना होता है तो हम क्रेडिबल से पहले लिख देते हैं इनक्रेडिबल, और क्रेडुलस से पहले भी लिख देते हैं इनक्रेडुलस। जब भी ह्यूमन बीइंग की बात करेंगे, समबडी की, प्रयोग इसका करिएगा क्रेडुलस, और जब भी आप समथिंग की करिएगा प्रयोग किसका करेंगे, क्रेडिबल। बहुत क्वेश्चन इससे एग्जाम में आता है, कई बार क्वेश्चन आता है, मोर देन 100 टाइम्स क्वेश्चन आपका आया है, ठीक है। चलिए, रिगार्ड टू इलेक्टेड ऑनर एंड रिगार्ड टू सेलेक्ट रिस्पेक्ट। ओके, तो हैट्स ऑफ टू योर इनक्रेडिबल करेज, तुम्हारे अतुलनीय साहस को हैट्स ऑफ डियर ह्यूमन, डियर मानव। अब देखिए पैसेज क्या कहना चाह रहा है, जूम करता हूं मैं, पैसेज को समझिए। देखिए शुरुआत हो रही है, द एलिफेंट, हाथी, द अनक्राउंड किंग ऑफ द जंगल। देखिए सब फुल स्टॉप लगाता हुआ चल रहा है, क्योंकि लेखक कहीं ना कहीं हाथी के लिए वो कई विशेषण के शब्दों का प्रयोग कर रहा है जो अपने आप में क्लॉज है, और इस क्लॉज के रूप में उसने हाथी को एज अ नाउन इन अ पोजिशन यूज कर रहा है। तो नाउन इन अ पोजिशन का मतलब कि एक ही व्यक्ति के लिए जब कई नामों का प्रयोग किया जाता है तो उसी को नाउन इन अ पोजिशन कहा जाता है, ठीक है। देखिए, तो द एलिफेंट, हाथी, द अनक्राउंड किंग ऑफ द जंगल, द अनक्राउंड किंग, अनक्राउंड समझ रहे हैं ना, अनक्राउंड, अनक्राउंड मतलब निर्मुकुट, अनक्राउंड मतलब निर्मुकुट, निर्मुकुट समझ रहे हैं ना भाई। वैसे कहा जाता है कि जंगल का राजा कौन है, शेर है, तो भाई उसको क्राउन है, उसको सिंहासन मिला, लेकिन वास्तव में इतनी बड़ी शरीर और इतनी बड़ी ताकत लेकर जो जंगल का राजा नहीं बना है, वो अपने आप में एलिफेंट, द अनक्राउंड किंग ऑफ जंगल है। क्योंकि अगर उसे अपनी ताकत का एहसास हो कि ये मानव के ऊपर हमको शासन करना है, इस मानव को मुझे गुलाम बनाना है, तो वो भी अपने आप को क्राउंड किंग बना सकता है, ठीक है। हाथी, द अनक्राउंड किंग ऑफ द जंगल, जंगल का या निर्मुकुट राजा, द लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन लैंड, पृथ्वी पर का सबसे बड़ा जानवर, ओवर 5 टन ऑफ ब्रूट फोर्स, लगभग 5 टन ऑफ ब्रूट फोर्स, ब्रूट समझ रहे हैं ना, निर्दयी बल, समझ रहे हैं, यानी ब्रूट फोर्स है उसके पास, यानी इतना बल है कि अगर वो अपने बल का विखंडनात्मक रूप से प्रयोग कर लेना तो 5 टन के बराबर वह बल को किसी को प्रयोग करके विखंडन कर सकता है, लेकिन वो अपने बल का प्रयोग संरचनात्मक करता है, तो यहाँ पर ब्रूट है, इसी से ब्रूटल बन जाता है, जो अपने आप में क्या है, निर्दयी। आगे है, इट रोम्स, इट मतलब कौन, एलिफेंट, यह टहलता है, रोम, रोम मतलब होता है इधर उधर टहलना, इधर उधर टहलना, भटकना, जिसका जीवन में कोई उद्देश्य ना हो, तो बिना उद्देश्य के घूमना या भटकना क्या कहलाता है, रोम्स। तो इट रोम्स द जंगल, यह जंगल में घूमता फिरता है, सैर करता है, लाइक इट ओन्स इट, अपने के जैसा, ये जंगल में विचरण करता है अपने के जैसा, बिकॉज इट डज, क्योंकि यह ऐसा करता है, क्योंकि वह जंगल को अपना मानता है, इसीलिए वह ऐसा करता है। इट मीनैशिंग टस्क, इसका, इट्स मतलब हाथी का, मीनैशिंग टस्क, टस्क मतलब सूंड, और मीनैशिंग मतलब चेतावनी देने वाला, धमकी देने वाला, खतरनाक, उसका मीनैशिंग टस्क आर है वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड वीपन्स, सबसे ज्यादा डरावने हथियारों में से
एक इन द एनिमल किंगडम, इन जानवरों की राजधानी में यानी क्षेत्र में, इन जानवरों की राजधानी में या इन जानवरों के क्षेत्र में सबसे डरावने हथियारों में से एक हाथी का सूंड है। यानी हाथी का सूंड एक ऐसा है जिससे सब डरते हैं, क्योंकि उसकी सूंड में इतनी ताकत है कि अगर वो किसी को पकड़ के अगर लपेट पाया तो जितनी बार चाहे उठा के दो चार बार पटक दे, कहानी खत्म। ठीक है, आगे है। हाँ, ट्रंक होता है अंकित मौर्य, यहाँ पर टस्क से उसका प्रयोग किया है, और टस्क का मतलब जो होता है ना, ये हाथी के लिए प्रयोग होता है, इसी से टस्कर्स हो जाएगा, भी आगे मैं समझाऊंगा। देखिए आगे, द वेयर साइट ऑफ द चार्जिंग टस्कर, द वेयर साइट, बिना किसी दृश्य के, द वेयर साइट ऑफ द चार्जिंग टस्कर्स, टस्कर्स मतलब हाथी, टस्कर कौन है, हाथी, हाथी को टस्कर भी कहा जाता है, ये वर्ड नोट कर लीजिएगा, टस्कर। द वेयर साइट ऑफ द चार्जिंग टस्कर्स, बिना किसी दृश्य के यह चार्जिंग टस्कर यानी प्रारूप करने वाले हाथी इज एना पर्याप्त है टू सेंड सीवर्स, कपकपा देने के लिए, यानी किसी भी व्यक्ति को कपकपा देने के लिए ये हाथी बिना दृश्य के ही पर्याप्त है। यानी अगर हाथी अपने सही रौद्र रूप में आ जाए तो उसको देख लेना ही किसी व्यक्ति को कांपने के लिए पर्याप्त है। द स्पाइन ऑफ एवरी वर्टिब्रेट, द स्पाइन घूमना ऑफ एवरी वर्टिब्रेट, नोट करिएगा, हड्डी वाले जानवर या व्यक्ति, वर्टिब्रेट नोट करिए, वर्टिब्रेट, अ पर्सन ऑब्लिक एनिमल दैट हैज बोन्स, जिनके पास हड्डी होते हैं उन्हीं के लिए हम इसे बात करते हैं, वर्टिब्रेट, इन इट्स विसिनिटी, विसिनिटी को भी नोट करिएगा, अच्छा वर्ड है, विसिनिटी होता है आसपास, विसिनिटी होता है आसपास, क्लियर। The spine of every vertebrate in its vicinity. आगे देखिएगा, but not ours. लेकिन यह हमारा नहीं है। यानी लेखक कहना चाह रहा है कि हाथी यह निर्मुकुट जंगल का राजा, इस धरती का सबसे बड़ा प्राणी, और लगभग 5 टन की यह निर्दयी शक्ति, यानी असीम उसके पास शक्ति, यह जंगल में टहलता है, विचरण करता है, ऐसे मानो जंगल उसका खुद का हो, क्योंकि यह ऐसा करता है, इसका यह टस्क। ठीक है, यानी हाथी या मिनेसिंग चेतावनी देने वाला, आर वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड वेपन्स, जिसके सबसे खतरनाक हथियारों में से एक है, इन द एनिमल किंगडम, इन जानवरों की राजधानी में, द बेयर साइट ऑफ चार्जिंग टस्कर इज एनफ टू सेंड सीवर्स डाउन द स्पाइन ऑफ एवरी वर्टिब्रेट इन इट्स विसिनिटी। यानी हाथी के आसपास के क्षेत्रों में, हाथी के बिना दिखे हुए भी सभी के लिए वह एक मेनेसिंग जानवर के रूप में पर्याप्त है। कहने का मतलब, अगर आसपास कहीं हाथी है तो इतनी उसके पास असीमित शक्ति और क्षमता है कि दूसरा व्यक्ति वहां जानवर ऑलरेडी अगर वो चाहे तो उससे डर सकता है, क्योंकि अगर हाथी पागल हो गई या हो गया ना तो किसी को भी मार सकता है। आगे समझिएगा, बट नॉट आवर्स, लेकिन यह हमारा नहीं है, हमारा नहीं है, हाथी के लिए वो बात कर रहा है। द वैलियंट ह्यूमंस, द वैलियंट अच्छा वर्ड है, वैलियंट मीन्स नोट करिए योद्धा, वैलियंट मीन्स योद्धा, द वैलियंट ह्यूमंस, यह योद्धा मनुष्य, ठीक है, योद्धा मनुष्य, ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। वी आर फियरलेस, हम निडर हैं, वी क्रॉल अप, हम रेंगते हैं, ठीक है, विथ आवर पुफ्ड अप चेस्ट, पुफ्ड अप अच्छा वर्ड है, पुफ अप होता है हवा से फुलाना, यानी हम फियरलेस हैं और हम हवा से अपने चेस्ट को फुलाते हैं, और स्ट्रेट इनटू द एलिफेंट्स टेरिटरी, और सीधे चले जाते हैं हाथी के टेरिटरी में, यानी उसके क्षेत्रों में हम प्रवेश कर जाते हैं। आर्म्ड विथ मियरली अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, मियरली का मतलब होता है ओनली, मियरली ओनली,
आर्म्ड विथ ओनली अ हाई पावर्ड राइफल, केवल एक उच्च शक्ति वाली राइफल लेकर वी स्नीक अप, हम चुपके से, अच्छा वर्ड है स्नीक, नोट करिएगा, चुपके से हमला करना, चुपके से हमला करना, हम चुपके से हमला कर देते हैं ऑन द मजेस्टिक वेस्ट, इन मजेस्टिक सहनशाही बीस्ट, चौपाया चार पैरों वाले जानवरों पर, और हम चुपके से इन चार पैरों वाले जानवरों पर हमला कर देते हैं। यानी लेखक कह रहा है कि यह जो मानव है ये इतना साहसी है, वैलियंट योद्धा है, यह एक अपना हथियार लेकर और अपने आप को बिना किसी भय और डर के मानते हुए किसी भी जानवर के क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है और चुपके से उस पर हमला कर देता है। यानी वो अपने आप को कहीं ना कहीं एक हथियार से फियरलेस मानता है। आगे है देन, तब विथ अ जेंटल स्पीच ऑफ द, ठीक है देखते हैं आगे, देखिए फिर क्या कह रहा है कि फिर कह रहा है आगे, देन तब विथ अ जेंटल स्क्वीज, स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना, निचोड़ना विथ अ जेंटल स्क्वीज ऑफ द टिगर, फिर हम बहुत आसानी से, टिगर मतलब राइफल का जो ट्रिगर है उसकी बात कर रहा है, कि उसके ट्रिगर को हम स्क्वीज करते हैं यानी पुश कर देते हैं, दबा देते हैं, और वी एंड द एलिफेंट्स रीन, रीन मतलब शासन के उसके क्षेत्र को, और फिर हम हाथी के रीन को समाप्त कर देते हैं। यानी यह मानो एक जो फियरलेस है, एक शक्तिशाली राइफल से लेकर और एक छोटी सी पुश के साथ, ट्रिगर के साथ, वह इस हाथी के विशाल का क्षेत्र को समाप्त कर देता है। मानो इतना ताकतवर है, समझ रहे ना कि मानो कितना ताकतवर है, उसी की बात कर रहा है। आगे समझते हैं, क्या वास्तव में मानो इतना बलशाली है, लेखक ऐसे कहना चाह रहा है। When there is not a gun handy, जब उसके हाथ में गन, is not a gun handy, handy मतलब, handy का मतलब होता है जो उसके हाथों के लिए कुशल हो। भाई उसको एक ऐसा गन दे दीजिए ना कि उसको गन दे दीजिए 50 किलो का, तो क्या 50 किलो का गन कोई बहुत सहूलियत से चला पाएगा? चला ही नहीं पाएगा। लेकिन आजकल गन बहुत हल्की आती हैं, बहुत अच्छी आती हैं, कि पता लगा 2 किलो का गन है और केवल एक हाथ की गन है और 2 किलोमीटर तक मार कर सकती है। तो इस तरीके से जो सुविधा जनक चीजें उसी को क्या है, हैंडी गन। तो व्हेन देयर इज नॉट अ गन हैंडी, जब गन उसके लिए हैंडी नहीं होती है, तो वी जस्ट लेस, तो हम केवल, लेस अच्छा वर्ड है, तो हम लेस, नोट करिएगा LACE, लेस, ठीक है, तो हम लेस फीता, तो हम बांधते हैं फीता, लेस सम फूड यानी कुछ भोजन को बांध देते हैं विथ डेडली पॉइजन। अब यही देखिए लेखक की बात कर रहा है, लेखक कह रहा है पहले मानव ने तो हथियार लिया और हथियार से चुपके से हमला किया और मार डाला, और जब मनुष्य हथियार को हैंडी नहीं पाता तो वी जस्ट लेस सम फूड, तो हम कुछ आहार ले लेते हैं, और विथ डेडली पॉइजन, और डेडली पॉइजन, डेडली मतलब जो मृत के समान हो, डेडली, फैटल और लिथल, ये तीन वर्ड आता है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा फैटल और लिथल ये गन के लिए आते हैं या पॉइजन, तो यहाँ डेडली पॉइजन, फिर हम एक डेडली पॉइजन लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिएगा, फिर हम एक डेडली पॉइजन लेते हैं, डेडली पॉइजन, ये देखिए यहीं पर है डेडली पॉइजन, एंड लीव इट इन द वाइल्ड, फिर और इसे हम जंगल में छोड़ देते हैं, ठीक। फिर क्या होता है, ब्रेव बहादुर इज नॉट इट, ठीक है, यानी बहादुरी क्या यही बहादुरी है, यानी लेखक प्रश्न कर रहा है और क्वेश्चन कर रहा है कि शाबाश बहादुर, लेकिन क्या यही बहादुरी है तुम्हारी कि तुम एक हथियार लेकर और उसके बावजूद अगर तुम हथियार से भी नहीं मार पाए, चुपके से भी हमला नहीं कर पाए, तो तुम कुछ आहार ले लेते हो, भोजन ले लेते हो, कि तुम्हें पता है कि लोग कहते क्या तुम जानवर हो, क्योंकि जानवर के पास बुद्धि नहीं होता, उसके पास विजडम नहीं होता, वह किसी खाने के वस्तु को देखता है तो वो खा लेता है। आगे समझिएगा, द एलिफेंट इज नॉट एलोन इन सरेंडरिंग, हाथी अकेले नहीं है सरेंडरिंग समर्पण करने वालों में, टू आवर ड्रेड
टू आवर डेयर डेविलरी, डेयर डेविल से बना है, डेयर डेविल मतलब साहस, यानी हमारे साहस के सामने हाथी अकेले ही समर्पण करने वाला नहीं है। द 300 ईयर ओल्ड 300 साल पुराने ओक ट्री, ओक पेड़ की बात हो रही है, सदाबहार बनने जैसे हमारे हिमालय के क्षेत्रों में जो पाए जाते हैं क्या, ओक ट्री, 300 साल पुराने ओक पेड़, दैट द जो द ह्यूमन सिंगल हैंडेडली कि मानो एक हाथ से कट डाउन नीचे गिरा दिया विद एन इलेक्ट्रोप्लेटेड चैनसा, ठीक है ना, चैनसा मतलब आरा मशीन, नोट कर लीजिएगा क्या है, आरा मशीन, आरा मशीन, और इलेक्ट्रोप्लेटेड मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीजों से चढ़ाया हुआ या बनाया हुआ, ठीक है, चढ़ाया हुआ या बनाया हुआ, फिर मनुष्य इन आरा मशीन के साथ एक हाथ से 300 साल पुराने पेड़ को काट के गिराया, ठीक है, इज अनदर फोर्स ऑफ नेचर, यह प्रकृति का एक दूसरा बल है, दैट वोट डाउन जो घुटने टेक दिया बिफोर आवर माइट, हमारी ताकत के आगे, माइट मनुष्य को, यानी लेखक कह रहा है कि हाथी अकेले नहीं है जो हमारे मनुष्य के साहस के आगे घुटने टेक दिया, बल्कि ये 300 साल पुराने पेड़ भी हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रोप्लेटेड चैनसा यानी बिजली से ये चलने वाले आरा मशीन के आगे भी एक हाथ के सामने ये पेड़ भी घुटने टेक दिए। आगे है, मतलब लेखक दिखाना चाह रहा है कि मनुष्य कितना ताकतवर है कि बड़ी सी बड़ी चीजें उसके आगे घुटने टेक दिया। फिर क्या कह रहा है, द वेल्स, आगे बात हो रही है वेल्स, देखिए संपूर्णता की बात हो रही है, जब किसी चीज के पहले संपूर्णता की बात होती है तो उसके पहले आर्टिकल द लगा दिया जाता है। द वेल्स द बिगेस्ट क्रिएचर, सबसे बड़ा प्राणी वेल, सबसे बड़ा प्राणी ऑन द प्लैनेट, इस ग्रह पर, आर चेज्ड डाउन, आर चेज्ड डाउन यानी इनका भी पीछा करके छोड़ दिया गया, आर मोटोराइज्ड बोट्स या मोटर बोट्स से, यानी कि हम सबसे बड़े व्हेल को समुद्र में भी पीछा करके छोड़ दिए, या मोटोराइज्ड बोट्स यानी मोटर से चलने वाली बोट्स, नावें, एंड किल्ड और मार दिया उन्हें विथ मोटोराइज्ड हारपून्स, मोटोराइज्ड यानी मोटर से चलने वाले हारपून्स होते हैं बल्लम, समझ रहे हैं ना, जिसको हम फेंक कर कहीं मार देते हैं ताकि जाकर चुभ जाए, और जिन्हें हम मोटराइज्ड हारपून से हमने व्हेल को भी मार दिया, यानी मनुष्य इतना ताकतवर है कि धरती पर सबसे बड़ा प्राणी जो व्हेल है उसका भी पीछा कर लिया और उसे भी मार गिराया। ठीक है, आगे, जाइंट, जाइंट विशालकाय, बहुत अच्छा वर्ड है जाइंट, इसको गेंट नहीं, क्या पढ़ेंगे, जाइंट, जाइंट बाउल्डर्स, बड़े बड़े टीले यानी विशाल काय टीले, सैटर्ड बिखर गए, टू बिट्स टुकड़ों टुकड़ों में, विथ डायनामाइट, डायनामाइट मतलब बम, यानी डायनामाइट एक बम है, किसने खोज किया था, ठीक है, जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, तो डायनामाइट के साथ बड़े बड़े विशालकाय टीले भी टुकड़ों में बिखर गए, ये सब मनुष्य की पावर है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, इसीलिए कहा जाता है कि वास्तव में विज्ञान अभिशाप है कि वरदान, हमने इतनी बातें आपको बताया लेकिन इन सारी बात में मानव ने कभी संरचनात्मक वाद पर काम नहीं किया, मानव ने हमेशा विखंडनात्मक पर बात किया, मानव ने ऐसी चीज बनाया जो इस ब्रह्मांड को नष्ट तो कर सकता है लेकिन मानव के विज्ञान ने एक भी अभी तक ऐसी चीज नहीं बनाया जो इसी तरीके से एक और पृथ्वी ग्रह बना सके जहाँ पशु पक्षी पेड़ नदी झरने जानवर एक साथ रह सकें। ठीक है, इसीलिए विज्ञान बहुत बड़ा अभिशाप है ऐसा माना जाता है। आगे समझते हैं, ठीक है, इवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार जंगल, इवरग्रीन सदाबहार जंगल, सदाबहार जंगल, ठीक है, अब देखिए क्या हुआ सदाबहार जंगल का, आगे देखते हैं, सदाबहार जंगल सदाबहार जंगल ऊपर दिया है क्या देखते हैं, शायद लिखा होगा ऊपर,
हाइयो ऊपर है, सॉरी, सदाबहार जंगल फ्लैटेंड, फ्लैटेंड मतलब समतल हो गए, सदाबहार जंगल फ्लैटेंड समतल हो गए विथ बुलडोजर्स, बुलडोजर से यानी कि जो बड़े बड़े पहाड़ थे हमने डायनामाइट से उनको तोड़कर गिरा दिया, और ये सदाबहार जंगल हमने बुलडोजर से उनको काटकर फ्लैटेंड कर दिया। ठीक है, बुलडोजर आ गए, जेसीबी आ गए, नए नए तरीके से संसाधन आ गए। आगे देखिए, ग्रेसफुल बर्ड्स, सुंदर चिड़िया, ग्रेसफुल आकर्षक, सुंदर अच्छा वर्ड है यानी जो मिलनसार हो। देखिए, कभी चिड़िया आपका नुकसान नहीं पहुंचाया, आपके द्वार पर आया तो आपके दानों को खाया, कीड़ों को खाया और जितने भी डिस्पोज हो सकती थी उन चीज़ों को उसने नष्ट किया। और ग्रेसफुल बर्ड्स, सुंदर चिड़िया, रेंडर्ड, ठीक है अच्छा वर्ड है रेंडर, वैसे रेंडर का तो मतलब ये होता है मदद करने के सेंस में आता है, प्रस्तुत करने के सेंस में आता है, लेकिन यहाँ जो रेंडर का मतलब आएगा वो कहीं ना कहीं अपने आप में क्या हो जाएगा, देने वाला, प्रस्तुत करने वाला। और ये सुंदर चिड़िया रेंडर्ड फ्लाइटलेस, ये फ्लाइटलेस हो गई यानी बिना उड़ने वाली हो गई, विथ मैकेनिकल क्रॉसबो, मैकेनिकल मतलब यांत्रिक, क्रॉसबो समझते हैं, क्रॉसबो, क्रॉसबो का वैसे तो वास्तव में इसका एक उदाहरण होता है गुलेल, ठीक है, ये गुलेल के जैसा होता है, ये एक मैकेनिकल, आजकल देखें ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो बनी हुई एक तीर के रूप में कि इधर से आती हैं, हम क्रॉस करके उनको मारते तो एक बड़ी स्पीड में वो जा सकती हैं। तो यानी कहने का मतलब कि आज इन मैकेनिकल क्रॉसबो के समक्ष उड़ने वाली चिड़िया भी फ्लाइटलेस हो गई, क्यों, क्योंकि हम उड़ती हुई चिड़िया का भी शिकार किससे कर लेते हैं, क्रॉसबो से कर लेते हैं, गुलेल से कर लेते हैं। द लिस्ट इज एंडलेस, और यह सूची असीमित है, यह सूची असीमित है, यानी लेखक कह रहा है कि मानव ने कितना विकास किया अगर इसकी हम बात करें तो यह सूची असीमित है। आगे समझिएगा, द करेज ऑफ द ह्यूमंस, मानव का साहस, द करेज ऑफ ह्यूमंस, मानव का साहस नोज, जानता है, नो बाउंड्स, नो बाउंड्स, कोई भी सीमा नहीं है, आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल कुल मिलाकर, यानी कुल मिलाकर मानव के साहस की कोई भी सीमा नहीं है, यानी मानव के साहस की सीमा असीमित है। वी वेल ऑलमोस्ट, वेल ऑलमोस्ट यानी ठीक तरीके से, पूरी तरीके से मानव की जो साहस की सीमा है वह असीमित है। अब देखिए पैसेज का टोन बदल गया, अब पैसेज अपने आप में छोटा हो गया। हाँ कह सकते हैं क्रॉसबो गुलेल का पार्ट होता है, या आप इसी को धनुष कह लीजिए, रेनबो कह लीजिए, सब इसी का पार्ट होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब पैसेज कह रहा है कि देखिए मानव कितना ताकतवर है कि हाथी को जीत लिया, पहाड़ को जीत लिया, 300 साल पुराने विशालकाय पेड़ को जीत लिया, और सबसे विशालकाय व्हेल मछली को जीत लिया, लेकिन द टिनी वायरस एक छोटा सा वायरस जिसका नाम है कोरोना वायरस, द टिनी वायरस सबसे छोटा वायरस हैज ब्रॉट अस, हमें ले आया, माइटी बींग्स, माइटी मतलब शक्तिशाली, लेकिन छोटा सा वायरस हम शक्तिशाली लोगों को ला दिया टू आवर नीच, अपने घुटनों पर, लेकिन एक छोटा सा वायरस हम शक्तिशाली बींग्स को यानी मानव को, जाति को घुटनों पर ला दिया। समझ रहे हैं ना, लेखक अपनी वेदना, अपनी तकलीफ, अपना कष्ट व्यक्त कर रहा है कि आखिर वो मानव जिसने उस हाथी को एक खाने के वस्तु में विस्फोटक सामान दिया होगा, कितना असीमित उसका साहस रहा होगा। क्या वास्तव में इसे साहस कहेंगे, इसे निर्दयता कहेंगे, ये साहस नहीं है। किसी जानवर को अगर कोई इस तरीके से मार कर गिरा दे तो यू कांट से इट इज़ द करेज ऑफ ह्यूमन, इट इज़ द कावर्डिस ऑफ ह्यूमन, या मानव की कायरता है, ये मानव का साहस नहीं है। क्योंकि साहस है तो अब टिनी वायरस से जाके टकरा के दिखाए, कहे कोरोना वायरस को लाओ, हम सारे कोरोना वायरस से झेल लेंगे, नहीं झेल सकता, यानी मनुष्य कभी शक्तिशाली नहीं हो सकता। वी हैव बीन फोर्स्ड, हम बाध्य हो गए, पैसिव वॉइस से वी हैव बीन फोर्स्ड, हम बाध्य हो गए, समझ रहे ना, हम बाध्य हो गए टू रिट्रीट, रिट्रीट वापस लौटने को,
एंड स्टे और रुक जाने को विद इन द कन्फाइंस, कन्फाइंस मतलब एक बंधे हुए स्थानों पर, कन्फाइंस सीमित यानी हम बाध्य हो गए रुकने को अपनी सीमाओं में, ऑफ आवर होम्स अपनी घरों के, देयर इज अ फियर इन द एयर अब हवा में भय है, देयर इज फियर इन द एयर अब हवा में भय है, अ वर्ड एक शब्द दैट कैन नॉट बी फाउंड जो नहीं पाया जा सकता इन आवर डिक्शनरीज हमारे शब्दों में, यानी अब हमारे अंदर एक वह भय है जो हमारे शब्दों के डिक्शनरी में भी नहीं पाया जा सकता। लोग बोलते हैं ना कि हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, लोग बोलते हैं ना कि हमारी डिक्शनरी में इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, तो अब लोगों के अंदर एक ऐसा डर है ना कि फ्राइट फियर स्केयर ये जितने भी अफ्रेड, ये चार वर्ड डर के लिए आते हैं, फियर फ्राइट अफ्रेड स्केयर चार वर्ड आते हैं, इन चारों वर्ड में अंतर भी होता है, फियर स्केयर अफ्रेड फ्राइट ठीक है, लेकिन अब मनुष्य के पास जो डर है वो डर अब डिक्शनरी में नहीं है, यानी मानो एक छोटे से वायरस के, वायरस से इतना डर गया कि अपने घरों में रुककर घुटने टेक दिया। ठीक है आगे समझते हैं, इट हैज स्लोड अस डाउन, इसने स्लो अस डाउन इसने हम सबको धीमा कर दिया, अलाउइंग अनुमति देते हुए यानी सहमति व्यक्त करते हुए द रेस्ट ऑफ द स्पेसीज कि शेष पूरे प्रजाति को कि टू कैचअप, कैचअप कैचअप समझते हैं ना पीछे आया था, कैचअप मतलब होता है कि अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना, और कैचअप विथ या कैच ऑन विथ, कैच ऑन विथ होता है पुराने काम को करना। तो देखिए हम सब लोग अभी क्या है, कोरोना वायरस के कारण सभी काम ठप है, जिस दिन सब शुरू होगा तो हम सब लोग पहले किसी काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जो पीछे छूटा है इसको पूरा करेंगे, लेकिन अगर पीछे कोई काम ना छूटा हो आगे सब काम बढ़ता है तो उसके लिए प्रयोग किसका करते हैं, कैचअप का, यानी मानव को इस कोरोना वायरस ने धीमा किया लेकिन शेष सभी अपने में जातियों में कैचअप आगे बढ़े हैं, मस्त है, यानी कुत्ते को कोई असर नहीं है, चिड़िया को कोई असर नहीं है, पशु पक्षी गाय भैंस को कोई असर नहीं है, मानव अपने घर में रुका है बाकी सब मस्त रूप से अपने में कैचअप हैं। आगे है, द हंटर्स हैज बिकम द हंटेड, शिकारी खुद शिकार हो गए हैं, यानी खुद शिकारी शिकार हो गए हैं, द डिस्ट्रॉयर हैज बिकम द डिस्ट्रक्टिबल, नष्ट करने वाला खुद नष्ट करने के योग्य हो गया है, यानी जो दूसरों को नष्ट करता था वह खुद नष्ट करने के योग्य हो गया है, मानो द बैलेंस ऑफ पावर, ठीक है द बैलेंस ऑफ पावर, द बैलेंस ऑफ पावर और इस शक्ति का संतुलन है चेंज्ड बदल गया है, यानी शक्ति का संतुलन बदल गया है, मेकिंग अस वीक हमें कमजोर करते हुए, एंड द रेस्ट ऑफ द प्लैनेट स्ट्रांग और शेष पूरे प्लैनेट को मजबूत बनाते हुए, यानी केवल मानव को कमजोर करते हुए शेष पूरे ग्रह को मजबूत बनाते हुए पावर शक्ति का संतुलन बदल गया है, यानी आज सबसे कमजोर कौन है, मानव, और शेष अन्य सब ताकतवर हैं। ठीक है आगे समझिएगा, बट लेकिन वी विल बी बैक, लेकिन हम वापस आएंगे, ये लेखक देखिए आगे बात कर रहा है कि मानव बताया पहले पैराग्राफ में कितना ताकतवर है, दूसरे पैराग्राफ में बताया कि मानव कैसे एक छोटे से वायरस के आगे घुटने टेक दिया, और फिर देखिए अब तीसरा पैराग्राफ आ रहा है, बट वी विल बी बैक, लेकिन हम वापस आएंगे, वी विल रिटर्न हम वापस लौटेंगे, विथ मोर ऑडेसिटी और ज़्यादा साहस से, ऑडेसिटी साहस हम और ज़्यादा साहस के साथ आएंगे, देन इवर बिफोर जो इससे पहले थी, इवन बिफोर देखिए यहाँ पर है, बिफोर एडवर्ब है अपने आप में, ठीक है, और लेकिन हम जितनी पहले साहस थी उससे और ज़्यादा साहस के साथ हम वापस आएंगे, वी विल टीयर डाउन ठीक है, टीयर डाउन या टोर डाउन ठीक है, फाड़ देना उजाड़ देना नष्ट कर देना, वी विल टीयर डाउन द एनवायरमेंट और हम पर्यावरण को नष्ट कर देंगे, टीयर डाउन नष्ट कर देंगे ठीक है ना, ढहा देंगे, टीयर डाउन है और हम ढहा देंगे नष्ट कर देंगे द एनवायरमेंट पर्यावरण को, विदाउट एन आई ओ टी ए, इओटा कहा जाता है, इओटा इओटा मतलब कण मात्र,
कण मात्र। जब कोई चीज को एक अणु मात्र माना जाता है, अणु जैसे कहा जाता है ना कि एक कण मात्र, यानी हम वापस आएंगे और ज्यादा साहस के साथ और एक कण के बिना भी हम इस एनवायरमेंट को टियर डाउन ढहा देंगे, नष्ट कर देंगे, ऑफ गिल्ट अपराध से आर फियर या भय से, यानी समझ रहे हैं ना, यानी मनुष्य अब की बार जब वापस लौटेगा ना तो मनुष्य नष्ट कर देगा। भाई देखिए, मनुष्य ने सांप मारा, मनुष्य ने एक सांप को मारा, क्यों? उसके अंदर दो भावना थी, या तो मनुष्य के अंदर गिल्ट था, अपराध था, दोष था, सांप ने तो कभी आपको नहीं मारा, और या तो मनुष्य फियर, डरपोक है, क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर अपराध की भावना ना होती तो कभी दूसरों का शिकार ना करता, और या तो मनुष्य के अंदर अगर डर की भावना ना होती तो भी मनुष्य दूसरों का शिकार ना करता। इसका मतलब मनुष्य कहीं ना कहीं डरपोक है और मनुष्य कहीं ना कहीं खुद गिल्टी है, इसी वजह से वह दूसरों का शिकार करता है। बी विल स्ले, स्ले अच्छा वर्ड है, ठीक है ना, स्ले, स्ले मतलब होता है कत्ल करना, अच्छा वर्ड है, नोट करिएगा स्ले, ठीक है, स्ले। इसका सेकंड फॉर्म होता है स्लेउड, स्ले, स्लेउड, स्लेउड अक्सर पूछ लेता है, कभी कभी इसी को एग्जाम में स्ले, स्लेड, स्लेड कर देता है, तो स्ले का स्लेड नहीं बनता, स्ले, स्लेउड, स्लेउड ऐसे कर देता है, तो ये सब गलत है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा क्या होता है। स्ले जो आपको दिया है, एस एल ए वाई, स्ले, सेकेंड फॉर्म स्लेव और थर्ड फॉर्म स्लेन, इसे कहा जाता है कत्ल करना। कभी भी कई बार इस तरीके से आया है, स्लेउड करके पूछ लिया है, स्लेट करके पूछ लिया, ये गलत है। कत्ल करना यानी वी विल स्ले, हम कत्ल करेंगे द इनहैबिटेंट्स, मूल निवासियों का, मूल निवासी, मूल निवासियों का, ऑफ द लैंड, पृथ्वी के, हम पृथ्वी के मूल निवासियों का कत्ल करेंगे, द सी, सागर का कत्ल करेंगे, ठीक है ना, मूल निवासियों को मारेंगे, सागर को मारेंगे, एंड द स्काई, और हम आसमान को भी मारेंगे, यानी हम पुनः फिर ताकतवर बनेंगे, विथ आवर वैक्सीनेटेड बॉडीज, अपने वैक्सीनेटेड बॉडी, यानी अब क्या करेंगे, कोरोना वायरस का भी वैक्सीन ढूंढ लेंगे ना, तो फिर जब वैक्सीन ढूंढ लेंगे तो फिर हम सब लोग बिल्कुल एकदम बिना डर के निडर होकर फिर निकलेंगे अपने वैक्सीनेटेड बॉडी से, एंड सैनिटाइज्ड राइफल्स, और अपने सैनिटाइज्ड राइफल से, यानी मनुष्य एक बार अपने राइफल को सैनिटाइज करेगा और अपने शरीर में वैक्सीन लगाएगा और फिर निकल देगा आसमान को जीतने, सी को जीतने और लैंड को जीतने। आवर कैमोफ्लैग, कैमोफ्लैग्ड अच्छा वर्ड है, छदम रूप, क्या कहा जाता है, छदम, यानी मनुष्य क्या है, छदम है, यानी बनावटी है, दिखावटी है, ठीक है ना, क्योंकि हर चीज को तो उसने रूप बदला। आवर कैमोफ्लैग्ड गियर, और हमारा या बदला हुआ बढ़ाव, एंड आवर नाइट विजन गॉगल्स, और हमारे इन नाइट विजन गॉगल्स यानी रात वाले चश्मों के साथ हम फिर एक बार इन्हें जीतेंगे। आवर एक्सप्लोजिव, हमारे विस्फोट जीतेंगे। आवर व्हीकल्स, हमारे साधन जीतेंगे। आवर मशीन्स, और हमारे मशीन्स जीतेंगे। वी विल फोर्स द प्लैनेट, और हम इस प्लैनेट को बाध्य कर देंगे। फोर्स, फोर्स मतलब बाध्य करने से है यहां, फोर्स द प्लैनेट, और हम बाध्य कर देंगे इस प्लैनेट को कि टू सबमिट, टू सबमिट, समर्पण कर देना, सबमिट मतलब यहां है समर्पण कर देने से, सरेंडर से है कि टू सबमिट टू आवर ब्रेवरी, हमारे बहादुरी के सामने जो समर्पण कर दे, यही होता है। हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, सेंस होता है, टोन होता है, लेकिन कभी कभी वर्ड जब पैसेज में आता है तो अपने प्रयोग के आधार पर वह अपना अर्थ बदल देता है। तो यहां कहना है कि वी विल फोर्स द प्लैनेट, हम बाध्य कर देंगे प्लैनेट को कि टू सबमिट टू आवर ब्रेविटी, हमारे बहादुरी के आगे वो समर्पण कर दे। वंस अगेन, एक बार पुनः, वी विल ग्रैब पावर बैक, ग्रैब मतलब कब्जे में कर लेना, अपने नियंत्रण में कर लेना, हम पावर को पुनः अपने कब्जे में नियंत्रण कर लेंगे। विथ एवरी टूल, प्रत्येक औजार के साथ, एट आवर डिस्पोजल, एट आवर डिस्पोजल, अपनी समाप्ति से, एक्सेप्ट फॉर लेता है, के सिवाय, एक्सेप्ट फॉर मतलब के सिवाय, बस मनुष्य सब कुछ वापस पा लेगा सिवाय एक चीज को छोड़कर, आवर कॉन्शियंस, अपना सहज ज्ञान, क्या है, सहज ज्ञान, सहज ज्ञान समझते ना,
जिस दिन आप पूछेंगे ये सहज ज्ञान, अगर प्रकृति ने इस धरती पर इंसान बनाया तो प्रकृति ही है जिसने हाथी भी बनाया, प्रकृति ही है जिसने चिड़िया, पौधे, पशु पक्षी, जंगल, पहाड़, पठार, नदी और झरना और तालाब बनाया। तो यानी अगर जितना आपको अपने लिए अधिकार है उतना सबको अधिकार है। तो मनुष्य सब कुछ जीत लेगा लेकिन अपना एक चीज छोड़ देगा, सहज ज्ञान, चेतना। लोग कहते हैं ना कि आप अपने दिल से, अपने सही मन से एक बार सोच कर देखिए, तो वास्तव में मनुष्य के चेतना और सहज ज्ञान में कभी गिल्ट या फियर नहीं होता, वहां कोई अपराध नहीं होता, वो तो सत्य है, परम सत्य है। ठीक है, द वन टूल, एकमात्र टूल है, यंत्र है, दैट मेक्स अस ह्यूमन, जो हमें मानव बनाता है, इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर। यानी मनुष्य सब कुछ जीत लेगा लेकिन एकमात्र अपने सहज ज्ञान को छोड़कर, वही एक ऐसा यंत्र है जो मनुष्य को मानव बनाता है, जो मनुष्य को मानव बनाता है। यानी मनुष्य तो है लेकिन मानव नहीं है, तो मनुष्य को मानव बनाता है, क्योंकि अगर उसके अंदर चेतना ना हो, सहज ज्ञान ना हो, दया ना हो, बुद्धि ना हो, विवेक ना हो, तो मनुष्य भी जानवर के समान हो सकता है। ठीक है, लेखक यही कहना चाह रहा है कि भाई देखिए, उस हाथी को आपने एक्सप्लोजिव खिला दिया, फिर भी वह एक ऐसे रास्ते से होकर गया जहां रास्ते में किसी व्यक्ति को नहीं मारा, किसी घर को नहीं उजाड़ा, एक नदी में जाकर खड़े होकर 3 दिन बाद उसने अपना जान दे दिया। अगर उसे यही लगता कि मनुष्य ये हमको मार रहा है, तो वो 3 दिन जिंदा था, 3 दिन में अगर वो पागल की तरह अगर चाहता ना, तो आराम से 10-20-50-100-200 लोगों को मार कर भी मर सकता था। आगे समझिएगा, लेखक लास्ट में अपना एक विचार क्या दिया है इस पैसेज पर। ठीक है, यह है लेखक का विचार। ठीक है, 5 जून 2020 वर्ल्ड एनवायरनमेंट पर। ठीक है, ये देखिए लेखक का विचार क्या है, कि लेखक ने एक अपना विचार दिया है कि द रियल ब्रेवरी इज, वास्तविक बहादुरी है इन सेविंग द प्लैनेट, इस ग्रह को बचाने में। यानी जिस ग्रह पर आप हैं, वास्तविक बहादुरी है इस ग्रह को बचाने में। इफ यू नो, यदि आप जानते हैं, एनी टेल्स ऑफ सच करेज, ऐसी कोई भी साहस की कहानी, यदि आप ऐसी कोई भी साहस की कहानी जानते हैं, ठीक है ना, यदि आप कोई भी ऐसी साहस की कहानी जानते हैं तो टेल अस, हमें बताइए, द हेलो एट द रेट ऑफ द हिंदू डॉट को डॉट इन। यानी लेखक कह रहा है कि साहस इसे नहीं कहते कि आप जो जानवरों को मारते हैं, अगर वास्तव में कोई साबासी है, कोई बहादुरी है, तो जो वास्तविक बहादुरी है वह इस ग्रह को बचाने में है। ठीक है, यानी मनुष्य कितना आगे जा सकता है, मनुष्य कितना निर्दयी हो सकता है, मनुष्य कितना ब्रूट हो सकता है, बशर्ते मनुष्य मनुष्य है लेकिन मानवता को छोड़कर कितना जीवित रह सकता है, इस बात को, अपने साम्राज्य को बढ़ाने में। अगर काश इन सभी सांपों को, इन सभी बिच्छुओं को, इन सभी हाथी को, शेरों को, जानवरों को बुद्धि ईश्वर दे देते और इनको कोई पढ़ाने वाला मिल जाता, तो ये भी माइटी बन जाते और ये भी शक्तिशाली बन जाते और ये भी अपना एक किंगडम बनाते और इनका भी कोई दूसरा शोषण ना कर पाता। ओके, थैंक यू।